एमसीयू की स्टोरीज अब एक सिंगल यूनिवर्स में फंसे ना रह के पूरे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हुए दिख रही हैं। और रिसेंटली रिलीज हुई मूवीज और फ्यूचर की मूवीज से ये भी क्लियर होता जा रहा है कि कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज और डिज्नी प्लस के शोज इंटरकनेक्टेड हैं। पिछले साल यानी कि 2021 में एमसीयू ने फर्स्ट टाइम एक टेलीविजन शो लॉन्च किया जो कि उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पे लॉन्च हुआ वांडा विजन के रूप में, जिसके बाद द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ और हॉकाई के साथ साल 2021 में टोटल 5 डिज्नी प्लस शोज आए। इस साल की शुरुआत हुई मून नाइट के साथ जो लेके आता है हमें करंट डिज्नी प्लस पे चल रही सीरीज मिस मार्वल पे। मिस मार्वल कहानी एक इसी नाम की मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो मिस मार्वल एके कमाला खान की। ये कहानी है एक टीनेज पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की की जो खुद भी एक सुपर हीरो बन जाती है। कॉमिक्स में उसकी सुपर पावर थी उसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी जिसमें वो अपने बॉडी के पार्ट्स को एम्बिगन कर लेती थी, लेकिन डिज्नी प्लस के शो में उसकी पावर्स को थोड़ा चेंज करके दिखाया जा रहा है। कॉमिक्स में जहां उसे पावर्स उसके इनह्यूमन होने की वजह से टेरिजन मिस से मिली थी, वहीं यहां पर उसकी पावर्स दिखाई जा रही है एक एंशिएंट ब्रेसलेट की वजह से। मिस मार्वल टीवी सीरीज सीधे लिंक करेगी अगले साल आने वाली कैप्टन मार्वल के पार्ट 2 द मार्वल से। मिस मार्वल सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 2 एपिसोड्स ऑलरेडी डिज्नी प्लस पे लॉन्च हो चुके हैं और बाकी के एपिसोड्स भी वीकली एवरी वेनेसडे स्ट्रीम होते हैं। और बाय द वे उन एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैं एवरी वीक करता हूं और कोशिश करता हूं उनमें ढूंढने की हिडन डिटेल्स, तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन मिस मार्वल के अलावा इस साल और आने वाले फ्यूचर में डिज्नी प्लस पे 10 से भी ज्यादा शोज रिलीज होने वाले हैं। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट उन सभी डिज्नी प्लस शोज की जो रिलीज होंगे मिस मार्वल के बाद। इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा उन सभी शोज की प्लॉट समरी और साथ ही उनकी रिलीज डेट्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। आई एम ग्रूट। बेबी ग्रूट के रूप में हमें देखने मिलेगा आई एम ग्रूट सीरीज एक एनिमेटेड फॉर्म में। मार्वल स्टूडियोज ने आई एम ग्रूट का पोस्टर रिलीज कर दिया है जिसमें दिख रहा क्यूट सा बेबी ग्रूट अपने न्यू एडवेंचर्स के साथ डिज्नी प्लस को ज्वाइन करेगा। शायद ही कोई ऐसा बंदा है जो बेबी ग्रूट को पसंद नहीं करता और एमसीयू भी इस बात को अच्छे से जानता है जो रीजन है बेबी ग्रूट के रूप में इस शॉर्ट सीरीज को हमें दिखाने का। रॉकेट रकून के साथ एज एन एडल्ट ट्री हमने सबसे पहली बार ग्रूट को देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, जहां वो दोनों ही मिलके पैसों के लिए और चुराना चाहते थे, लेकिन फिर गार्डियंस की टीम के साथ टीम अप करके मूवी के क्लाइमेक्स तक ग्रूट ने अपना सैक्रिफाइस किया अपने दोस्तों को बचाने के लिए और रॉकेट ने उसे फिर ग्रो किया उसी की एक बची हुई ब्रांच से, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमें दिखा बेबी ग्रूट जो पूरी मूवी में सिर्फ मस्ती करता दिखा। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की इवेंट्स तक ग्रूट ऑलरेडी एक टीनेजर बन चुका था, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्पिन ऑफ के रूप में आई एम ग्रूट की टाइमलाइन बेस्ड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और इन्फिनिटी वॉर के बीच में। अब मार्वल ने आई एम ग्रूट सीरीज का प्लॉट अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है, लेकिन इतना तो कंफर्म्ड है कि इस एनिमेटेड सीरीज के सीजन 1 में 5 शॉर्ट एपिसोड्स होंगे जिनमें हमें मिलाया जाएगा कुछ न्यू कैरेक्टर्स से जो कि मोस्टली एलियंस ही होंगे। अब आई एम ग्रूट की रिलीज डेट के ठीक नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है शी हल्क सीरीज, जिसका मतलब है कि आई एम ग्रूट के लिए सिर्फ 1 वीक का टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल आई एम ग्रूट के सभी 5 एपिसोड्स एक साथ ही लॉन्च करेगा या फिर हो सकता है उन्हें पर डे लॉन्च करे। आई एम ग्रूट के रूप में ये फन एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज रिलीज होगी 10 अगस्त को। शी हल्क। एमसीयू में इकलौता हल्क अब सिर्फ ब्रूस बैनर नहीं रह गया है, जिसका मतलब है कि शी हल्क के लिए मार्वल के बहुत बड़े प्लान्स हैं। आई एम ग्रूट के बाद डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट स्ट्रीम होने वाला शो होगा शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, जो एमसीयू के लिए 8th डिज्नी प्लस शो होगा। ये कहानी है एक लॉयर जेनिफर वॉल्टर्स की जो केस लड़ती है दूसरे सुपर ह्यूमंस के लिए, लेकिन जब एक एक्सीडेंट के बाद वो खुद एक ग्रीन सुपर हीरो शी हल्क बन जाती है तो उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है वो हमें दिखाया जाएगा इसी शो से। कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है जिसे हल्क की पावर्स मिलती है उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। शी हल्क शो एक्चुअल में एक लार्ज स्केल एमसीयू प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सिर्फ एक न्यू कैरेक्टर शी हल्क को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बल्कि पास्ट के कुछ और कैरेक्टर्स जिनमें ब्रूस बैनर का हल्क और द इनक्रेडिबल हल्क सीरीज में दिख चुका एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि द अबोमिनेशन भी ज्वाइन करता हुआ दिखेगा। इस शो में मेन विलन के रूप में हमें दिखेगी टिटानिया जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी शी हल्क की मेन विलन्स में से एक थी। शी हल्क का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसका ब्रेकडाउन देखने के लिए आप कार्ड से ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ का टीजर पोस्टर भी दिखा है, यानी कि मार्वल इस शो के प्रमोशन में ऑलरेडी लग चुका है। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ सीरीज में 30 मिनट के 9 एपिसोड्स होंगे जो एक लीगल कॉमेडी के रूप में एक फन वे में हमें लेके जाएंगे इन हल्क्स की दुनिया में। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ प्रीमियर हो रहा है 17 अगस्त को। सीक्रेट इन्वेजन।
मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर मिनी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन पे ही बेस्ड है ये डिज्नी प्लस शो। इस शो में हमें लीड में दिखेंगे निक फ्यूरी और एक स्क्रल टैलोस। मार्वल कॉमिक्स में 8 इश्यूज की ये मिनी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन पब्लिश हुई थी अप्रैल 2008 में। इस सीरीज में फर्स्ट टाइम बहुत सारे सुपर हीरो टीम्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, जिनमें माइटी अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, यंग अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर के साथ साथ सीक्रेट वॉरियर्स भी शामिल थे। कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन कहानी है स्क्रल्स के अर्थ पे अटैक की, जिसमें उन्होंने अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज यूज करके बहुत सारे मार्वल सुपर हीरोज को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन कॉमिक्स में स्क्रल्स की स्टोरी को फ्लिप करके कैप्टन मार्वल मूवी में स्क्रल्स को अच्छा दिखाया गया है, जो हिंट देता है कि यहाँ पर भी स्टोरी को चेंज किया जाएगा। निक फ्यूरी को लास्ट टाइम हमने देखा था स्पेस में स्क्रल्स की एक बड़ी सी शिप पे, और मोस्ट प्रोबेबली उसका स्पेस में होने का रीजन हमें इसी सीरीज में पता चलेगा। कुछ लीक्स के हिसाब से हमें इवल स्क्रल्स के रूप में फाल्कन वाला कैप्टन अमेरिका और स्कॉटलैंड का एंटमैन भी दिखेगा। साथ ही शो से एंट्री करेगा एमसीयू में डेयर डेविल, जिसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में एक छोटे से केमियो रोल में देखा था। शो में एक विलन के रूप में हमें दिख सकती है मार्वल कॉमिक्स की एक पॉपुलर विलन अबिगेल ब्रांड। स्पेशल एजेंट अबिगेल ब्रांड स्वॉर्ड की कमांडिंग ऑफिसर थी, वही स्वॉर्ड जिसे हमने लास्ट ईयर वांडाविजन शो में देखा था। तो शायद ये शो एमसीयू के मल्टीपल लूज एंड्स को जोड़ते हुए हमें लेके जा सकता है एक मेजर अवेंजर्स इवेंट की तरफ, जो कि हो सकती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी। सीक्रेट इन्वेजन की लॉन्च डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से क्योंकि शी हल्क प्रीमियर होगा 17 अगस्त को, जिसके 9 एपिसोड्स खत्म होंगे, यानी कि फिनाले होगा 12 अक्टूबर को। और यूजुअली हर एक डिज्नी प्लस सीरीज के बाद मार्वल एटलीस्ट 4 वीक्स का टाइम जरूर देते हैं, तो 6 एपिसोड्स की ये सीक्रेट इन्वेजन सीरीज प्रीमियर हो सकती है 16 नवंबर को। एक्समैन 97। मार्वल कॉमिक्स की पॉपुलर म्यूटेंट सुपर हीरोज की टीम फिर से आ रही है एक एनिमेटेड फॉर्म में। एक्समैन टीवी सीरीज के रूप में पॉपुलर ये एनिमेटेड सीरीज का लास्ट एपिसोड आया था 1997 में, और डिज्नी प्लस के न्यू शो एक्समैन 97 में इसी सीरीज का रिवाइवल होते हुए दिखेगा। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इस सीरीज में दिखने वाले कन्फर्म्ड कैरेक्टर्स हैं वुल्वरीन, रोग, बीस्ट, नाइट क्रॉलर, स्टॉर्म, गैम्बिट, जीन ग्रे और मिस्टर सिनिस्टर। एक्समैन 97 सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स होंगे, और क्योंकि मार्वल शायद अगले साल भी स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स का टाइम स्टार वॉर्स सीरीज के किसी शो को देगा, जैसे इस साल जनवरी के स्टार्टिंग का टाइम डिज्नी प्लस पे स्टार वॉर्स के शो बुक ऑफ बोबा फेट को दिया गया था, और मून नाइट शो रिलीज किया गया था मार्च में। तो हो सकता है ठीक उसी तरह एक्समैन 97 शो रिलीज हो अगले साल मार्च में। आयरन हार्ट। आयरन हार्ट शो स्टोरी है एक इंजीनियर की, जो आयरन मैन के बाद इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो इतना एडवांस सूट क्रिएट कर पाती है। मार्वल कॉमिक्स में दिख चुकी कैरेक्टर रीरी विलियम्स के रूप में हमें दिखेगी एक ब्रिलियंट ब्लैक गर्ल, जो आयरन मैन की तरह हाई टेक मेटल सूट्स क्रिएट करती है। कॉमिक्स के हिसाब से इस 15 साल की रीरी विलियम्स को स्कॉलरशिप मिलती है MIT इंजीनियरिंग कॉलेज की। ये वही कॉलेज है जिसके लिए हमने MCU के आयरन मैन को भी डोनेशन करते हुए देखा है। यहीं पर कॉलेज से कुछ हाई टेक मटेरियल कर रीरी बनाती है अपने लिए खुद का एक आयरन सूट। कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में उसके मेंटर के रूप में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क खुद दिखता है, लेकिन MCU की टाइमलाइन में टोनी स्टार्क मर चुका है। लेकिन डिज्नी प्लस के इस शो में उसके मेंटर के रूप में दिखेगी एक और ब्लैक गर्ल शूरी। रीरी विलियम्स का डेब्यू होगा ब्लैक पैंथर के पार्ट 2 वकांडा फॉरएवर में इसी साल, और आयरन मैन की रिप्लेसमेंट के रूप में आयरन हार्ट हमें दिखेगी अगले साल। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज प्रीमियर हो सकती है अगले साल जून में। आर्मर वॉर्स। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एक छोटे से केमियो रोल के बाद जेम्स रोड्स AKA वॉर मशीन को हम देखेंगे उसके खुद के शो आर्मर वॉर्स में। इस शो में हमें वॉर मशीन फिर से दिखेगा अपने पावरफुल सूट में, जहां वो रोकने की कोशिश करेगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को जिनके हाथ लग चुकी है स्टार्क टेक्नोलॉजी। ये सीरीज भी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन आर्मर वॉर्स पे, जो पब्लिश हुई थी 1987 में। जब टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उसके वेपन्स और टेक्नोलॉजी उसके एनिमीज भी यूज कर रहे हैं, तो वो पीछे पड़ जाता है उन्हें खत्म करने के। यहीं पर हमें दिखा था टोनी स्टार्क का राइवल जस्टिन हैमर, जिसे हमने MCU वर्ल्ड में देखा था आयरन मैन के सेकंड पार्ट में। इसी सीरीज से जस्टिन हैमर भी वापसी करेगा, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था मार्वल के वन शॉट में एक जेल में बंद। जस्टिन हैमर ही स्टार्क के आर्मर प्लांट्स को बेच रहा था कुछ और बड़े विलन्स को, जिन विलन्स में शामिल थे कॉमिक से टाइटेनियम मैन,
बीटल, क्रिम्सन डायनामो और स्टिंगरे भी। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने मदद ली थी अपने फ्रेंड वॉर मशीन की, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, टोनी स्टार्क एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता, जो रीजन है वॉर मशीन का खुद इस सीरीज में लीड में होने का। कॉमिक्स में इसी सीरीज के दौरान टोनी स्टार्क इतना अग्रेसिव हो गया था कि उसने कैप्टन अमेरिका के साथ भी फाइट की, और साथ ही हॉकआई ने तो उसे वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स से ही निकाल दिया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रोडी इन इवेंट्स में कैसे डील करता है। आर्मर वॉर सीरीज में 6 एपिसोड्स होंगे और ये शो रिलीज होगा अगले साल अगस्त में। आर्मर वॉर्स के अलावा ऐसे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग शोज हैं जिनकी डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मार्वल ने ये कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर में डिज्नी प्लस के शोज का पार्ट जरूर बनेंगे। इनमें रिटर्निंग शोज लोकी और व्हाट इफ के सीजन 2, पिछले शो वांडा विजन से अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस और हॉकआई से एको पे बेस्ड एक शो, और साथ ही एनिमेटेड सीरीज के रूप में स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और मार्वल ज़ॉम्बीज भी कंफर्मड है। लेकिन उन सभी शोज की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।